सुखदेव सिंह होगामड़ी हत्याकांड को लेकर पुलिस की बड़ी सफलता लगी है और पुलिस ने चार आरोपी, दो शूटर जो थे मुख्य उनके सहित कुल चार आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अभी सहाल विला सोडाल थाने में खड़ा हूँ, जहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात है। पूरी सुरक्षा जो है वो पूरे इंतजाम किए गए हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे एक नवीन जो फौजी है वो छुट्टी लेकर यहाँ पे आया था, घर आया था, और उसने रोहित गोदारा के साथ मिलकर जो हत्याकांड था उसको अंजाम दिया। पुलिस जाब्ता भारी मात्रा में तैनात है यहाँ पे। कमांडो, स्पेशल कमांडो लगाए गए हैं। योगेश गोयल जो DCP साउथ हैं वो भी कुछ देर पहले यहाँ पे पहुँचे हैं, और अभी पुलिस जो है लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि सुखदेव सिंह होगामेड़ी हत्याकांड के शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को दिल्ली से जयपुर ले आया गया है। सोडाल थाना पूरी तरह छावनी में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीधे सोडाल थाने से, जहां पर स्पेशल कमांडो लगाए गए हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह की चूक नहीं हो, और पुलिस अधिकारी को लगातार सोडाल थाने में आना अनुमति जारी है। इसे देख सकते हैं, एक अधिकारी जो हैं पुलिस के वो पहुंचे हैं। आपको बता दें कि रोहित राठौड़ और नवीन शेखावत को दिल्ली से रास्ता लाया गया है। वहीं पर अगर बात करें इनका एक आरोपी उधम सिंह जो है उसको भी रास्ते में है, वो कुछ ही देर बाद में यहां पे पहुंच जाएगा। आपको बता दें इसमें विशेष बात यह है कि कुल चार आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रामवीर सिंह का नाम भी कहीं ना कहीं आ रहा है, जो कि इनकी भागने में और फरारी काटने में मदद करा था लगातार। नितिन और रामवीर जयपुर पुलिस की हिरासत में हैं और रोहित उधम को अब पुलिस दिल्ली से जयपुर लाया जा रहा है। सोडाल थाने में भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा में रामवीर को मेडिकल के लिए स्वाई मान सिंह अस्पताल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ ले जाया जाएगा। जबकि नितिन फौजी और से सोडाला थाने में पूछताछ की जा रही है। अंदर DCP साउथ योगेश दादी हैं और डिप्टी जो हैं वो भी पहुँचे हैं। मेडिकल के बाद पुलिस रामवीर को कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि नितिन जो शूटर है फौजी और उसका सहारोपी रामवीर को पूछताछ के लिए सोडाला थाने में रखा हुआ है, जहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर एक नाकों को संदेहास्पद की स्थिति से देखते हुए एहतियातन के तौर पे भारी पुलिस जाब्ता और इंटेलिजेंसी तैनात की गई है। कोई भी चूक पुलिस नहीं करना चाहती इस बड़े मामले में, और जो भी STF और जो विशेष कमांडो है, ERT की बात कर ले, QRT की बात कर ले, सभी हथियारबंद जवानों के पूरा थाना लैस कर दिया गया है और आसपास के इलाकों पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जा रही है। वहीं पे सबसे बड़ा यहां पे एक खबर आ रही है कि माननीय निदेशक पुलिस DGP उमेश मिश्रा ने सुखदेव सिंह होगामेड़ी की हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम को बधाई दी है। उन्होंने जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ, SIT के प्रभारी ADG क्राइम दिनेश MN व SIT प्रमुख कैलाश विश्नोई और उनकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह इंटर स्टेट पुलिस समन्वय और सहयोग का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को भी वाहवाही की और धन्यवाद दिया है। मैं बता दूं आपको कि राजस्थान पुलिस जो है इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सक्षम नहीं हो पाई, सफलता हासिल नहीं कर पा रही थी, तब जाके इन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम से इन्होंने मदद मांगी। पुलिस दो संयुक्त कार्रवाई जो हुई है राजस्थान और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की, उन्होंने जगह जगह इनके जो मोबाइल ट्रेस सर्विलांस पर लगाए गए थे, करीब मैं बता दूँ 100 से ज़्यादा मोबाइल सर्विलांस पर लगाए गए थे, जिनमें से एक छोटी सी फोटो वायरल हुई, उस फोटो ने आरोपी पकड़ा दिया। आरोपी विदेश भागने की फिराक में थे, नेपाल जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी अंदर पूछताछ चली, सोडाल थाने की तस्वीर ये सामने आपके सामने है। नितिन फौजी से लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी कुछ समय पहले ही नितिन फौजी को लाया गया था यहाँ पे। बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में कल शनिवार को 8:30 बजे लगभग चंडीगढ़ के एक होटल में छापेमारी की थी, जहां पर दबिश देते हुए दोनों जो आरोपी थे नितिन फौजी और रोहित राठौड़, इनको गिरफ्तार किया गया। वहीं पे इनकी निशानदेही पे इनसे पूछताछ में जो भी सामने आए, खुलासे हुए, उनके आधार पर उधम सिंह और रामवीर को भी इन्होंने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। और ममता दो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि रोहित
जो राठौड़ है उसको 8 दिन की जमानत मिली है। 8 दिन तक पुलिस उनके पूछताछ करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या क्या बड़े खुलासे हैं। पूछताछ जो पुलिस करेगी उसमें पुलिस हर एक पहलू को देखते हुए पूछताछ करेगी, कितने दिन से इनकी प्लानिंग थी, क्या रोहित गोदारा है वो वास्तव में जो जिसने मदद लिया वो फेंक है या सही है, और कहाँ कहाँ से इनके तार जुड़े हुए हैं, कौन कौन से गैंगस्टर जो हैं बड़े इस पूरा तेकांड में इन्वॉल्व हैं। पूरा जो पुलिस की जांच है वो डिपेंड जांच पर डिपेंड करता है कि पुलिस का आखिर में क्या निकाल पाती है और कहाँ तक पुलिस इनकी पूछताछ कर पाती है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।